आपको स्टेटमेंट देते हो, स्टेटमेंट जैसे जो स्टोन है इनको जब आप रगड़ते हो तो आपके पास एक स्पार्क प्रोड्यूस होता है। अभी मैंने एक स्टेटमेंट दी है, इसके पीछे रीज़न क्या होगी, लॉजिक क्या होगी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी भी एक स्टेटमेंट जब आप दे रहे हो उसके पीछे जो रीज़न है उसको आप क्या बोल रहे होगे, किसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे। तो ये बेसिकली लॉजिक होती है। अब लॉजिक के अंदर मज़ीद टाइप्स होती हैं। इसी तरीके से लेट से मैंने एक स्टेटमेंट दी कि घर में लड़ाई हुई है, अब उसके पीछे वजह क्या है, वो लॉजिक होगी। ठीक है, अब इन दोनों एग्जांपल को हम देखेंगे कि दोनों अलग टाइप के लॉजिक हैं और वो लॉजिक की दो टाइप हैं, एक है इंडक्टिव लॉजिक और एक है डिडक्टिव लॉजिक। इंडक्टिव लॉजिक वो लॉजिक होती है जिसके पीछे कोई ख़ास रीज़न नहीं होता, मतलब कोई होता है ना कि आप प्रॉपर रीज़न, साइंटिफिक रीज़न या ऐसा रीज़न आपने बताया कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काफ़ी आपने ऑब्जर्वेशन परफॉर्म किए हैं उसके बाद आपने वो रीज़न बताई है, वो नहीं होता। इंडक्टिव में ये होता है कि बस आपने लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखी और आपने रीज़न बता दी। जैसे बड़ी मशहूर आप लोगों ने बचपन सुनते हुए आ रहे हो कि जब कैंची चलाएंगे तो लड़ाई होती है, तो मे बी किसी ने देख लिया होगा कि किसी दिन उसने कैंची चढ़ाई होगी और लड़ाई होगी होगी, तो उसने स्टेटमेंट दे दी भाई कैंची चढ़ाने से लड़ाई हो जाती है। तो अब इसके पीछे जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो बहुत लिमिटेड है, या इसके पीछे कोई करेक्टली साइंटिफिक रीज़न या कोई फिजिकल फिनोमेना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है इसके पीछे। तो इस वाले लॉजिक को आप क्या बोलोगे, इंडक्टिव लॉजिक बोलोगे। इसके अलावा और भी हैं, जैसे आप लोगों ने बचपन में सुना होगा काली बिल्ली वाला, रास्ता काट देती है तो पता नहीं क्या मसले होते हैं, अच्छा कौवा बैठता है तो मेहमान आ जाते हैं। अब किसी अगर मेहमान आए उसने लॉजिक क्या की, भाई कौवा बैठा था। तो ये सब लॉजिक जो है जो लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है या आपकी स्टेटमेंट है ही, मतलब लॉजिक है ही इतनी ख़राब कि वो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ना वो साइंटिफिक फैक्ट्स है ना वो कोई फिजिकल फिनोमिना कुछ भी, तो उस वाली लॉजिक को आप क्या बोलते हो, इंडक्टिव लॉजिक। उसके बाद होती है डिडक्टिव लॉजिक, जो प्रीमिसेस, मतलब आप एश्योरेंस से किसी बात को बोलते हो। जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल दी थी स्टोन रगड़ने की, पत्थर रगड़ने की, तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है कि जब आप किसी दो पत्थर को रगड़ते हो तो फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से फिर स्पार्क प्रोड्यूस होता है। तो ये जो साइंटिफिक प्रॉपर रीज़न है, ठीक है, इसी तरीके से आप कुछ भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो और उसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है आपकी, तो वो जो फिर आप रीज़न दे रहे हो तो उसको आप क्या बोलोगे, वो जो है वो डिडक्टिव लॉजिक है, जिसको आप एटलीस्ट एश्योरेंस से बोल सकते हो कोई साइंटिफिक फिनोमिना हो या कोई आपने ऐसे बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हो जिससे आपने वो कंक्लूजन दिए, ठीक है, लॉजिक दिए, तो उस टाइप की लॉजिक को आप क्या बोलोगे, डिडक्टिव लॉजिक। तो ये तो हमने लॉजिक के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद तीसरी चीज़ होती है प्रोपोजिशन। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट होती है, रैंडम स्टेटमेंट नहीं है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट जिससे आपको ओपिनियन अपना जाहिर करते हो या कोई आपको जजमेंट दे रहे हो या कुछ भी ऐसी बात कर रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल भी दी हुई है, सनराइजेस फ्रॉम द ईस्ट, मैंने एक स्टेटमेंट दी है और अपना एक आप लोगों को एक नॉलेज दी है। वो नॉलेज क्या है कि भाई जो सन है वो कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है। बेसिकली सन तो मूव नहीं करता लेकिन हमारे अर्थ के रिस्पेक्ट से तो वो ईस्ट से निकल रहा होता है। तो ये जो एक बाकायदा प्रोपोजिशन बोलोगे इसको आप। इसी तरीके से 4 is less than 5 स्टेटमेंट है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है इसके अंदर, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, प्रोपोजिशन। अब दो ही पॉसिबिलिटी हैं प्रोपोजिशन में कि या तो स्टेटमेंट गलत होगी या स्टेटमेंट ठीक होगी। जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ कि आज बारिश हो रही है, मैंने एक स्टेटमेंट दी है, अब या तो बारिश हो रही होगी या बारिश नहीं हो रही होगी, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। इसी तरीके से अगर मैं बोल रहा हूँ 4 is less than 5 तो या तो स्टेटमेंट ट्रू होगी या स्टेटमेंट फॉल्स होगी, तो दिखने में लग रहा है ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। इसी तरह से ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो ऐसी स्टेटमेंट जिसमें या तो ट्रू हो सकता है या वो फॉल्स हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो ट्रू भी हो और वो फॉल्स भी हो, तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, या तो ट्रू या फॉल्स, उस स्टेटमेंट को आप बोलते हो प्रोपोजिशन। उसके बाद आपके पास दो टाइप की लॉजिक हैं, अरिस्टोटेलियन लॉजिक और दूसरी है नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, ठीक है। ये बेसिकली डिडक्टिव लॉजिक जो है ना उसकी दो टाइप है, ठीक है। ये वाली लॉजिक जो है जिसका नाम मैंने अभी लिया है वो क्या है, लॉजिक बेस्ड ऑन प्रोपोजिशंस। ऐसी लॉजिक जो प्रोपोजिशन पे बेस कर रही है, मतलब लॉजिक जो है वो भी बेसिकली स्टेटमेंट है ना एक। जैसे मैंने अभी बोला है कि जब दो स्टोन को आप रगड़ते हो तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, ये मैंने एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है। तो ऐसी स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन पे बेस कर रही है, मतलब या तो वो स्टेटमेंट ठीक होगी या वो स्टेटमेंट गलत होगी। जैसे मैं कोई भी एक स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, अगर तो वो ठीक है या वो गलत है, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। तीसरी पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई ठीक भी है और गलत भी है,
ठीक है, तो सिर्फ दो स्टेटमेंट हो, मतलब ऐसी लॉजिक जो बेस कर रही हो प्रोपोजिशन पे कि आइदर ट्रू आइदर फॉल्स, उस वाली लॉजिक को आप बोलते हो अरिस्टोटेलियन लॉजिक। और दूसरी जो है लॉजिक इन विच दे आर मोर चांसेस अदर देन ट्रू और फॉल्स, मतलब उसमें ट्रू और फॉल्स एक साथ भी हो सकता है, मतलब एक ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रू भी हो और एक ऐसी स्टेटमेंट जो फॉल्स भी हो, उस वाली स्टेटमेंट को क्या बोलोगे, नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक, मतलब उसमें ट्रू और फॉल्स के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी या चौथी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। और इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूँ तो जो रियल वर्ल्ड है ना, जैसे अगर मेडिसिन की आप बात करो तो जैसे डिस्प्रीन होती है, अब किसी से डिस्प्रीन खाने से, अब जैसे मैं एक स्टेटमेंट दे दूँ भाई डिस्प्रीन खाने से ना नॉर्मली जो मेडिसिन बना रहे हैं वो क्या क्लेम करेंगे, भाई अगर आप डिस्प्रीन खाओगे तो आपके सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। अभी जुमला आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि यार ये मेडिसिन मुझ पर वर्क नहीं करती, ठीक है, और ये वाकई बात होती है कि कुछ मेडिसिन बेसिकली उसका काम वही होता है वर्क करना, लेकिन वो किसी बंदे पे वर्क नहीं कर रही होती, बहुत सी रीजंस होती हैं लेकिन वो वर्क नहीं करती। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट दिया ना कि डिस्प्रीन सर के दर्द में आराम लाती है, तो ये स्टेटमेंट एरिस्टोटेलियन नहीं है। क्यों? इसमें ट्रू और फॉल्स के अलावा तीसरी पॉसिबिलिटी भी है कि मे बी ये स्टेटमेंट किसी के लिए ठीक हो, मे बी ये स्टेटमेंट किसी के लिए फॉल्स हो, किसी को वो आराम लाएगी किसी को आराम नहीं लाएगी। तो एट द सेम टाइम वो ट्रू भी है, एट द सेम टाइम वो फॉल्स भी है। तो मेडिसिन की फील्ड में अगर आप देखो तो स्टेटमेंट आपको ऐसी मिलेंगी जो नॉन एरिस्टोटेलियन लॉजिक होती है, ठीक है, कि एट द सेम टाइम वो ट्रू भी हो सकती हैं फॉल्स भी हो सकती हैं। और अच्छा, ये बेसिकली डेफिनेशन है लॉजिक के अंदर जो आप लोगों को जहन में होनी चाहिए, उसके बाद आप मजीद और पढ़ोगे। और आखिरी चीज़ है ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू क्या होती है भाई, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूँ वो स्टेटमेंट ट्रू है या वो स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर मैं प्रोपोजिशन की बात कर रहा हूँ अभी कि या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ना ट्रू या फॉल्स, इसको आप क्या बोलते हो, ट्रूथ वैल्यू, द ट्रू एंड फॉल्सिटी ऑफ प्रोपोजिशन। जैसे एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है पी, वो या तो ट्रू है या वो फॉल्स है, तो ये ट्रू और फॉल्स जो है ना इसको आप बोलोगे ट्रूथ वैल्यू।